मीडिया के बहुत से सवाल है 2002 को लेकर, लेकिन दो चीज़ों पे आप जो है आपके कैंपेन स्पीचेस में बात नहीं करते, एक अपॉलोजी रिग्रेट के बाद, मीडिया कहती है अपॉलोजी, आप कहते हैं रिग्रेट, और दूसरा जो है कि एक किस्म की टोपी नहीं पहनते आप टर्बन पहन लेते हैं, सिख टर्बन पहन लेते हैं, आप जब रजनीकांत से मिलने गए तो आपने लुंगी भी पहन ली, लेकिन आप मुस्लिम समुदाय की टोपी नहीं पहनते, ये दो चीजों पर आप प्लीज बता दीजिए। पहली पहली बात ये है, पहला क्या था आपका? पहला था कि वो माफी एंड जो रिग्रेट एंड अपॉलोजी वाली बात। अगर मैं 2002 के चुनाव हार गया होता ना तो कोई ये सवाल पूछता नहीं, 2007 का हार गया होता तो कोई पूछता नहीं। एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है, ये उनकी जिद है कि हम मोदी को नीचा दिखा करके रहेंगे, हम मोदी को नीचा गिरा करके रहेंगे, तो ये उनको। दूसरी बात है, मैं कन्विंस हूँ अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? ये गलत तरीका है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं दुनिया की जो भी न्यायिक व्यवस्था है उन सारी न्यायिक व्यवस्थाओं से मोदी की पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए। और टोपी नंबर वन हो गया। दूसरा, मेरा स्पष्ट मत है कि मैं मेरी परंपराओं का पालन करता हूं, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूं, पालन मेरी परंपराओं का होगा और मुझे इसका गर्व है। दूसरी बात है, हम जानते हैं गांधी को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, पंडित नेहरू को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी। पिछले दो दशक में ही ये राजनीतिक रंग ले लिया है और मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। गांधी जी पीएम कैंडिडेट तो मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। ये जो जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा और इसलिए अपीजमेंट करके, हाँ मैं ये चाहूंगा कि अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसको सजा होनी चाहिए। मुसलमान की टोपी की इज्जत हो इसकी चिंता सरकार ने जरूर करनी चाहिए, ये काम हमारा होना चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, मुझे टोपी पहन करके फोटो निकल मनी चाहिए, ये जिसको जो सूट करता है वो करेंगे, कोई मुझे ये कंपेल नहीं कर सकता है। नहीं, कंपेल की तो का तो क्या क्या लॉजिक है मुझे बताइए। सोनिया गांधी ने टोपी पहनी है, मुझे बताइए सोनिया गांधी ने पहनी टोपी? आई डोंट थिंक सो, पर वो चादर चढ़ाती है मजार में ना। पहली बात है, मुझे भी वो जो मौलवी आए थे उन्होंने चादर भेंट की थी, मैंने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया था। ओके, तो आपको आपके चश्मों में ऐसे नंबर तो नहीं होने चाहिए कि कुछ ही दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। अच्छा, चलिए, ऐसे सब पे तो नहीं होने चाहिए।